वेरी गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स, दिस इज योर फोर्थ लेक्चर इन इंग्लिश। लास्ट लेक्चर में हमने लेसन नंबर टू की वोकैबुलरी जंक्शन और प्रोनंसिएशन जंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। द वोकैबुलरी जंक्शन टॉपिक इज कंपाउंड वर्ड एंड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ प्रोनंसिएशन इज द साउंड ऑफ ओ। ओके, द डिफरेंट साउंड ऑफ ओ। इससे रिगार्डिंग मैंने आपको जो एक्सरसाइज दी थी वो आज हम डिस्कस कर सकते हैं। तो जो हमारी क्लासेस उसमें हम डिस्कस करेंगे। नाउ टू दिस टॉपिक इन ग्रामर लेसन नंबर टू द सब्जेक्टिव मूड है ना, ये जो आपका कंटेंट है स्टार्टिंग में, उस कंटेंट में आप देख सकते हैं कि लेसन नंबर टू वोकेशन के नीचे ग्रामर क्वेश्चन में आपको एक टॉपिक दिया गया है द सब्जंक्टिव मूड। क्या बोलते हैं इसे? सब्जंक्टिव मूड। आई रिपीट, एस यू बी सब्जंक्टिव मूड। क्लास सिक्स स्टूडेंट, दिस इज द न्यू टॉपिक फॉर यू, यानी कि आपके लिए बहुत नया टॉपिक है। तो प्लीज लिसन केयरफुली द फैक्ट्स एंड द रूल्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मूड है ना इन योर लेसन्स। आप वैसे तो पांच तरीके से सॉरी मूड होते हैं, बट आपके जो लेसन नंबर सेकेंड में सिर्फ आपको सब्जेक्टिव मूड को डिफाइन किया गया है, बट मैं यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव मूड, इंडिकेटिव मूड और इम्परेटिव मूड, यानी कि तीनों के बारे में डिफरेंस समझाऊंगी। मूड है थ्री काइंड्स। फर्स्ट सबजंक्टिव, ओके, सबजंक्टिव मूड। सेकेंड इज इम्परेटिव मूड एंड थर्ड इज इंडिकेटिव मूड। आई रिपीट, सबजंक्टिव मूड, इम्परेटिव मूड एंड इंडिकेटिव मूड। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सब्जेक्टिव मूड का यूज कहाँ पर करते हैं, यानी कौन कौन से सेंटेंस को हम अगर हम देखेंगे तो हमें डिफाइन कर सकते हैं कि वॉट दिस सेंटेंस बिलोंग इन विच मूड है ना, ये सेंटेंस कौन से मूड को डिफाइन करता है, सब्जंक्टिव मूड को, इंडिकेटिव मूड को या फिर इम्परेटिव मूड को। इसके अपने अलग रूल होते हैं। द सेंटेंस एक्सप्रेस डिजायर, डिजायर का मतलब होता है विश, किसी भी तरीके की ख्वाहिश, इच्छा रखते हैं आप लोग, इच्छा को, ख्वाहिश को इंग्लिश में विश या डिजायर कहा जाता है। डिजायर हाइपोथेटिकल सिचुएशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोथेटिकल सिचुएशन? हाइपोथेटिकल का मतलब होता है काल्पनिक चीजें, यानी कि जो वास्तविक में हुई तो नहीं है पर वो हमें लगती है, यानी कि जिसमें कोई फैक्ट नहीं होता, जिसका कोई रियल प्रूफ आपके पास नहीं होता है, उसे हम कहते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन। नेक्स्ट डिमांड, डिमांड मीन्स अगर हम किसी से कुछ मांगते हैं, किसी पे सपोज आप पेरेंट्स को बोलते हो ना हमें ये ला कर दो वो ला कर दो, ये कहते हैं अपनी डिमांड्स करना। एंड सजेशन, सजेशन का मतलब होता है राय, किसी को अगर आप कोई एडवाइस दे रहे हो, एडवाइस सजेशन द बोथ ऑफ सेम वर्ड्स। ओके, तो ये सारे अगर आपको सपोज अगर किसी सेंटेंस में ये सभी चीजें मेंशन हो रही, आइडेंटिफाई हो रही है, तो वो सेंटेंस आपका सब्जंक्टिव मूड से बिलोंग करता है। नाउ कम टू द इम्परेटिव मूड। इम्परेटिव मूड के सेंटेंस को हम किस तरीके से बचाएंगे? इम्परेटिव मूड एक्सप्रेस कमांड्स, कमांड मतलब ऑर्डर करना, हैव डोंट गो आउटसाइड, सिट योर प्लेस, कीप क्वाइट, ये सब क्या है? मैं आपको ऑर्डर करते हैं ना, आप पे जो टीचर्स आपको कमांड देते हैं, आपके पेरेंट्स आपको कमांड देते हैं, यानी किसी भी तरीके का ऑर्डर जो आप फॉलो करते हैं वो कहलाता है कमांड। और रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मीन्स विनती, प्लीज गिव मी योर कॉपी, प्लीज टेक अ टाइम है ना, प्लीज गिव मी दिस, यानी कि आप किसी से कोई विनती करके उससे कोई चीज मांगते हैं या कोई रिक्वेस्ट करते हैं, तो इस टाइप के सेंटेंस आ जाते हैं इम्परेटिव मूड में। नाउ लास्ट इज इंडिकेटिव मूड। व्हाट इज द इंडिकेटिव मूड? इंडिकेटिव मूड एक्सप्रेस रियल फैक्ट और सिचुएशन। ओके स्टूडेंट्स, रियल फैक्ट यानी सपोज संडे विल बी हॉलीडे, एवरी संडे हॉलीडे है ना, लेकिन मंडे, एवरी मंडे विल बी हॉलीडे, नो। अगर हम बोलेंगे कि हर मंडे को छुट्टी होती है तो वो तो सब्जेक्टिव मूड में है, बिकॉज वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, काल्पनिक है हमारी, इससे रियलिटी में कोई फैक्ट नहीं है ना। आप जानते हैं कि हर संडे हॉलीडे होता है, ये रियल फैक्ट होता है ना, रियल फैक्ट है। अगर आप कोई सपोज मान लीजिए आप ठंडी चीज खाएंगे, आपको ये पता है कि अगर हम ज्यादा ठंडी चीजें खाएंगे तो हमें कोल्ड होगा, ये रियल फैक्ट है, लेकिन कहीं ये तो नहीं लिखा है ना कि अगर
अगर उसके पास बहुत ज्यादा पैसे आ जाएंगे, यानी कि सिचुएशंस को इमेजिन करना। हाइपोथेटिकल ये होता है कि जो रियल तो नहीं होता है, पर हम उसको इमेजिन करते हैं। सपोज हम बोलते हैं मेरे पास तो इतने पैसे आ जाएंगे तो मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, है ना। तो ये सब होती काल्पनिक चीजें, यानी इमेजिनरी सिचुएशंस। इमेजिनरी सिचुएशन जिनका वास्तविक से कोई लेना देना नहीं होता है वो कहलाते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन। लेकिन इंडक्टिव मूड हमेशा क्या एक्सप्रेस करता है? रियल फैक्ट्स और सिचुएशंस। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। ठीक है, लेट्स मी रिमाइंड, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मूड: सब्जेक्टिव मूड, इंपरेटिव मूड, इंडिकेटिव मूड। सब्जेक्टिव मूड एक्सप्रेस डिजायर, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, डिमांड एंड सजेशन। इंपरेटिव मूड एक्सप्रेस कमांड और रिक्वेस्ट। Indicative mood express real fact or situations. Okay, students. Now come to the, let's see the examples related to two, three moods. Here I am write some sentence and tell me which mood is identifying this sentence. Okay. Let's start. Example. First example is, God is merciful. God is merciful. This sentence identifying which mood? आप किस मूड में इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? God is merciful. Merciful का मतलब बताना चाहती हूँ, दयावान। क्या होता है merciful का means? दयावान। तो क्या भगवान हमारे लिए दयावान होते हैं? होते हैं। तो ये real fact है, और real fact किसको belong करता है? Indicative mood को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे I and am, यानी कि इंडिकेटेड मूड। सपोज सेकेंड एग्जाम्पल, आई विश आई वर हिज स्टूडेंट। और एग्जांपल्स देती हूँ, उसके बाद आपको आई थिंक क्लियर होगा।
वेलकम द स्टूडेंट, क्या है ये? कमांड है, रिक्वेस्ट है, फैक्ट है, नॉट रियल फैक्ट है, क्या है ये? रिक्वेस्ट है, हम किसी से विनती कर रहे हैं कि प्लीज वो पंखा चालू कर दीजिए। तो ये कौन सा मूड आएगा? इंपरेटिव मूड। ओके, नाउ सेकंड इज I wish it would rain tomorrow. This sentence contain a desire, यानी कि wish और desire कौन से sentence में आता है, कौन से mood को belong करता है? Subjunctive mood. यानी कि सब्जेक्टिव मूड्स को बिलोंग करते हैं। नाउ थर्ड इज I hope this topic is clear to students. Okay, have a nice day.